राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 16 फरवरी को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रखी है, तो भाजपा भी 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में अलग अलग रुख देखने में आए हैं। कांग्रेस में जहां ज्यादातर सीनियर नेताओं ने कमेटी की 9 फरवरी को हुई बैठक में चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छा जाहिर कर दी थी, तो वहीं भाजपा में ज्यादातर वर्तमान सांसद, विधायक या पदाधिकारी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पिछले दो लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 2019 में सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में नागौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा से गठबंधन किया था। बीजेपी में जहां चुनाव लड़ने के लिए होड़म होड़ मची हुई है, तो वहीं कांग्रेस में दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सूत्रों के अनुसार पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, अशोक चांदना, भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा, रामलाल जाट, ब्रजेंद्र ओला, प्रताप सिंह खाचरियावास और मुरारी लाल मीणा जैसे दिग्गजों को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, चाहे बात अशोक गहलोत की हो या सीपी जोशी, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह या गोविंद सिंह डोटासरा, रघुवीर मीणा और मुरारी लाल मीणा के साथ ही हरीश चौधरी जैसे नेता भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब इसके लिए किसी ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बात कही, तो किसी ने नई पीढ़ी को आगे लाने की बात कहकर चुनाव लड़ने की मंशा को टाल दिया। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर कोरोना से पीड़ित भी हुए हैं। अब 16 फरवरी को होने वाली बैठक में ये देखना रोचक होगा कि कांग्रेस आलाकमान इन नेताओं को सख्ती से चुनाव लड़ने को कहता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी फर्क पड़ेगा। एक दो बड़े नेता तो राज्यसभा से संसद जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब संभवतः यह मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस ने वर्ष 2014 में जिन्हें सांसद का टिकट दिया था, उनमें से ज्यादातर को वर्ष 2019 में भी दिया गया था। वे लगातार दो बार चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के टिकट पर यूपीए सरकार में मंत्री रहे सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह सहित वैभव गहलोत, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया जैसे चर्चित चेहरे भी चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस की बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया है कि जिस तरह से हाल ही में भाजपा के एक सीनियर नेता पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के सामने एक युवा को टिकट दिया गया और चुनाव यानी कि करणपुर उपचुनाव जीता गया, तो वैसे ही पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी युवाओं पर ही दांव खेलना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा संकट ये है कि उसे 25 सीटों पर अब ऐसे चेहरों पर विचार करना पड़ेगा जो चुनाव जीतने की क्षमता भी रखते हों। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हर सीट पर 3 से 5 नाम आ रहे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, तो कहीं पर नए चेहरे भी चर्चा में हैं।